दिस इज ब्यूटीफुल। हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग जाने वाले हैं बीफॉल। बीफॉल एक नेचुरल वाटरफॉल है जो पचमढ़ी के अंदर आता है, तो वहाँ जाने के लिए पासेस लेने होते हैं। तो वो पासेस लेने के लिए वी आर गोइंग टू पाइसन लॉज, जहाँ पे एक ओल्ड म्यूजियम भी है और वहाँ पे पूरा कौन से जगह है पचमढ़ी के अंदर घूमने के लिए उसका लिस्ट भी है। तो इफ़ यू आर कमिंग टू पचमढ़ी एंड यू डोंट नो वेयर टू विजिट, तो पहले पाइसन लॉज पे आ जाइए, यहाँ पे पासेस भी मिल जाएंगे एंड यू कैन गेट टू सी विच ऑल प्लेसेस आर देयर और वहाँ की खासियत क्या है। पीछे से घूम के है क्या? थैंक यू। सो बीफॉल के अलावा दे आर मल्टीपल प्लेसेस, कुछ के लिए यू हैव टू गेट द टिकट्स एंड कुछ के लिए यू डोंट नीड अ टिकट। बीफॉल जा रहे हैं वहाँ के लिए कि टिकट ज़रूरी है बिकॉज वो फॉरेस्ट एरिया में आता है एंड आई गेस दे हैव द अथॉरिटी टू गेट दोज टिकट्स डन। हम लोग पोस्ट हो गए पार्किंग में, यहाँ पे पूरी जिप्सीज वगैरह सब खड़ी है, तो फटाक से जाके वील कलेक्ट टिकट। तो अभी जस्ट हमने टिकट्स कलेक्ट कर लिए है फॉर बीफॉल। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, एक पॉइंट के लिए अलग से पैसा दे सकते हो आप, या फिर मल्टीपल पॉइंट्स करना हो तो उसके हिसाब से पैसा दे सकते हो। तो मैं तो जा रहा हूँ सिर्फ बीफॉल, तो उसके हिसाब से मैंने एक टू व्हीलर कर लिया है। टू व्हीलर जो कि है वो उनके सेकेंड पिट स्टॉप तक जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जाएगी, दैट्स व्हाट दे टोल्ड अस। बट कार के लिए सीन है कि उनका डायरेक्ट पर्चा नहीं बनेगा, उनके लिए पैदल घूमने के लिए एक टिकट होता है इन पॉइंट्स पे, तो वो टिकट कटा है। तो मुझे लगा है बाइक के लिए एक पॉइंट का 100 bucks और फॉर देम जो पैदल जा रहे हैं उनके लिए 50 rupees पर पर्सन। बी फॉल ओके, ये रास्ते हैं बी फॉल के। बाबा जंगल में एंट्री। तो ये पहला चेक पॉइंट था और वी आर अबाउट टू एंटर बीफॉल। ये टिकट है अपना। तो भाई ये है बीफॉल के एंट्री के बाद के नज़ारे। तो आई थिंक दिस इज़ द प्लेस कचरा डस्टबिन में डाले, यहाँ से हमें पैदल जाना पड़ेगा सेकेंड पॉइंट व्यू पॉइंट। और यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, ये छोटा सा वैली है एंड सी द पिक, दैट इज़ रियली ब्यूटीफुल। मैंने हेलमेट लेके आया इधर, अब आएगा मज़ा। अब गाड़ी में रखना चाहिए था। तो हम लोग गाड़ी पार्क कर दिया है सेकेंड चेक पॉइंट पे, इससे आगे आप गाड़ी से नहीं जा सकते हो। तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करने के बाद वी स्टार्टेड अ ट्रैक। आई थिंक ये 1.5 kilometers का कुछ ट्रैक रहेगा जिसमें हम लोग जाएंगे नीचे। रास्ता कुछ ऐसे हमने जो चुने, बाकी रास्ता तो ये है ही जहाँ से मैडम आ रही है। ये जगह है बीफॉल की। मैं तो सजेस्ट करता हूँ आप ट्रेक करके ही जाओ, बट यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, मतलब 4-5 days तो आराम से चाहिए आप लोगों को अगर यहाँ पे आना है और प्रॉपरली एक्सप्लोर करना है एंड ट्राई टू कम इन ऑफ सीजन, पैसा बचेगा। हम लोग वैसे शॉर्टकट्स यूज़ कर करके जा रहे हैं जितना हो सके अपना एफर्ट बचा रहे हैं, और सीधे रास्ते से अच्छा तो दिस रास्ते का ऑलवेज गुड। तो ये कुछ जगह है यहाँ पे। मेरा GoPro का बैटरी डाई हो गया है और हम लोग धीरे धीरे आगे चल रहे हैं और मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा बहुत जो शेक है जो देखने को मिल रहा है आपको वो उसकी वजह से ही होगा।
तो शॉर्टकट्स ले लेके हम लोग जा रहे हैं। वी हैव रीच्ड टू अ स्पॉट जहाँ से एक्चुअल डाउन हाइकिंग शुरू होती है, और यहाँ पे जिप्सीज का स्टैंड होता है। अगर आप जिप्सी से भी आते हो तो भी आपको यहीं पे रुकना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे खाने पीने के लिए एक शॉप अवेलेबल है। ये रास्ता है, यहाँ पे लिखा हुआ है वाटरफॉल में नहाने के लिए जुर्माना लगेगा। तो घर से ना क्या, आई थिंक वी आर नियर टू अ स्मॉल वाटर क्रॉसिंग। यहाँ पे ब्रिज बना हुआ है। दिस इज अ प्लेस जहाँ पे हम लोग थोड़े देर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। हमारे पास टाइम कम है, लेकिन फिर भी ये इतना सुंदर है कि वी हैव टू स्टॉप। अच्छी खासी ढलान शुरू हो गई है, तो यहाँ से जाने के लिए प्रॉब्लम नहीं है। आते वक्त इट विल गोना बी डिफिकल्ट फॉर अस। कैसे वापिस आएंगे पता नहीं। इतना ही बचा है, एंड स्टिल यू कैन सी द ग्लिम्स ऑफ दैट वाटरफॉल। इट इज सराउंडेड बाय लिश ग्रीन ट्रीज। तो पचमढ़ी के अंदर इन पेड़ों की खासियत भी है, ये सब पेड़ बहुत ज़्यादा पुराने और लंबे हैं। तो लंबे होने का रीज़न लगता है सनरेज, और यहाँ पे डायरेक्टली सनरेज आता नहीं बिकॉज इट्स इन वैली। यहाँ पे अभी सामान रख देंगे और चलते हैं। Stones were in between going towards the forest. This is literally beautiful. और हम जब आए यहाँ पे तब कोई भी नहीं था। अभी people have started coming, क्योंकि अभी का time कुछ हो रहा है 10:15, और अभी हमें वापस जाना शुरू करना चाहिए। So we are about to start trekking back. Let me show you something. Can you see this? This is like a giant valley kind of structure जो पूरे पत्थरों से बना हुआ है। अभी मेरे को उतरना है। ओ बाबा, तो चलो चलते हैं। तो 450 सीढ़ियाँ थी, वो क्लाइंब बैक करके हम लोग यहाँ पे आए जहाँ पे ये खाने वाला होगा सीन। तो वहाँ पे आके अभी हमने चना खाया, और अभी आगे बढ़ते हैं। जब आए थे तब हम लोगों ने कुछ भी व्हीकल्स नहीं थे यहाँ पे। यहाँ पे अभी बहुत सारे लोग आ गए और हम लोग जा रहे हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग कि हमें अच्छा खासा टाइम मिला। नीचे लोग कम थे तो अच्छे वीडियोज और फोटोज ले सकते। चलो अभी चलते आगे। फिर वापस निकलने के बाद हालत अच्छी खासी टाइट हुई, पर पूरा एक्सपीरियंस काफी वर्थ था। और बिफोर ये हमारा ये पचमढ़ी वाले सीरीज का लास्ट एपिसोड था। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो, ये पूरा पचमढ़ी सीरीज पसंद आया होगा। वैसे आप कमेंट में भी बता सकते हो। तो फिर करते हैं इस वीडियो को खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड कंसिडर सब्सक्राइबिंग, क्योंकि ऐसे ही अच्छे वीडियोज में लाता रहूंगा। बाय बाय।